और आप दर्शन करिए सत्संगी का क्या प्रकार हो सकता है। लंकिनी को एक मुष्टिका श्री हनुमान जी महाराज ने दही मारा, कितना? एक मुष्टिका। और श्री हनुमान जी ने जब मुष्टिका रखी थी रावण के ऊपर तो रावण संभलते संभलते भी गिर पड़ा था, बल का बखान किया, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। और लंकिनी पर जब मुष्टिका पड़ी हनुमान जी महाराज की, क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलारिक तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। निमेश कहते हैं पलक झपकने को, उससे छोटी संख्या है लव की, यानी पलक झपकने के दशांश भी यदि सत्संग प्राप्त हो जाए तो सारे सत्कर्मों से भी अत्यधिक अनुपम और अप्रतिम है। लव निमेश परमान जुग काल सर बरस पर चंड भज सिन मन तही। लव निमेश परमान जुग बरस कलप सर चंड भज सिन मन तही राम को काल जासु को। इति लंका कांड। ये एक गणना है, काल गणना है, लव निमेश परमान जुग सबसे छोटा लव। लव सत्संग भी प्राप्त हो जाए तो जीव की सदगति हो जाती है, इसी से मोह भग जाता है, इसी से विवेक जग जाता है। चौपाई है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। और उसके लिए राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो श्री गरुण जी महाराज भगवान को बंधन मुक्त किए तो उनको मोह हो गया। कोई भी व्यक्ति जिसमें क्षमता कम हो और अधिक कार्य परिणाम प्राप्त हो जाए तो मोह होना स्वाभाविक है, जीव की स्थिति है। तो हो गया, अब सोच रहे हैं कि भव बंधन ते छोट ही नर जप जा कर खर्ब निसाचर नाग पास। जिन भगवान के नाम का स्मरण मात्र करने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उन भगवान को बांध दिया, जो मुक्त करते हैं उनको बंधन युक्त कर दिया। किसने? मेघनाद ने। संदेह भया कि ये भगवान नहीं है, भगवान होते तो बंधन में आते। बहुतों को संदेह रहता है, कई लोग तो ऐसा मानते हैं हम भगवान को ढूंढ रहे हैं मिल ही नहीं रहे हैं। भगवान ढूंढने से नहीं मिलते हैं, भगवान विश्वास करने से मिलते हैं। जिसने विश्वास कर लिया भगवान उसको मिल ही गए, क्योंकि उनको कहीं ना आना है ना जाना है, उनको तो केवल प्रकट होना है। भय प्रकट कृपाला कृपाला। अब समस्या बड़ी है, दुख बड़ा है, रोग बड़ा है, दवा कहाँ मिले? नारद जी ने भेजा था, नारद जी से मिले। नारद जी बोले हमको ज्ञात नहीं है, पिताजी बताएंगे।
ब्रह्मा जी के पास गए गरुण जी महाराज, उन्होंने कहा हम थोड़ा व्यस्त हैं, उनकी महिमा भगवान की भोले बाबा जानते हैं, आप वहाँ चले जाइए। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने कहा हम जा रहे हैं बैठक में, कुबेर जी के यहाँ देवता लोग जुटे हैं, आप ऐसा करिए कि आप भगवान के बारे में सबसे सुंदर स्वरूप का बोध जानने वाले हैं कागभुसुंडी जी। अब वो निरंतर राम जी की कथाएं सुनाते रहते हैं, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े दिन जाकर के वहां सत्संग प्राप्त करिए और आपकी ये सारी आदि व्याधि बीमारी स्वतः दूर हो जाएगी। उचित व्यक्ति के यहां भोले बाबा ने पक्षियों के राजा गरुण जी को भेजा। वहां पहुंच ही पाए थे, दिव्य सरोवर मानसर मिला और स्नान भया। जैसे आश्रम के क्षेत्र में प्रवेश पाए सब बीमारी भाग गई, प्रश्न समाप्त हो गए, संशय दूर हो गया। क्यों? जोजन पर्यंत कागभुसुंड जी को आशीर्वाद था, जहां रहोगे कोई विकार नहीं आएंगे, आप सर्वकाल भगवान में ही रमे रहेंगे। आपके अगल बगल आश्रम क्षेत्र में जोजन पर्यंत 12 किलोमीटर तक आदि व्याधि बला नहीं आएगा।